हेलो एवरीवन आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म सोमेश सिंह केमिस्ट्री पर तो देखिए आज हम लोग जो चैप्टर यहाँ पर देख रहे हैं पी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इस चैप्टर के आज हम लोग जो है पी आई सॉल्व करेंगे ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से भी क्वेश्चन का वेटेज रहता है तो आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो जैसा कि हम लोग शुरुआत करते हैं वन वर्ड वाले क्वेश्चन से तो हमारा पहला क्वेश्चन है इन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरिस डी मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है in agarose gel electrophoresis agarose gel electrophoresis dna molecules are separated on the basis of their dna molecules dna molecules are separated are separated ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को हम किस बेसिस पे सेपरेट करते हैं तो आप कहेंगे साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं किसके बेसिस पे तो आंसर आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज होता क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि डीएनए आपका होता है निगेटिवली चार्ज कैसा होता है निगेटिवली चार्ज जब आप फ्रेगमेंट को फिल करेंगे तो वहां पर आपको क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है तो जो निगेटिवली चार्ज डी एन ए पॉजिटिव पोल की तरफ क्या करता है तेजी से बढ़ता है तो जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होता है वो सबसे आगे वहां पर आपको दिखाई देता है जल इलेक्ट्रो फॉरसिस में इसका आंसर क्या होगा आपका साइज एनसीआरटी एग्जाम्पलर का ये आपका क्वेश्चन है आ सकता है आपके एग्जाम में एन सी टी एग्जाम्पलर का ये आपका क्वेश्चन है और लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म्ड एंटीबायोटिक्स आर फॉर्म्ड बाई विच टेक्निक क्वेश्चन अब क्या है ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म्ड एंटीबायोटिक्स आर फॉर्म्ड बाई आर फॉर्म्ड बाई विच टेक्निक ट्रांसफॉर्म्ड एंटीबायोटिक आर फॉर्म बाई विच टेक्निक तो इसका आपका आंसर होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होगा आपका आंसर जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपकी ट्रांसफॉर्म्ड एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपका क्या है एन एंटीबायोटिक एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ तो आपका यहां पर आंसर होगा ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स क्या होगा आपका आंसर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड सेल के सिलेक्शन में किसका यूज होता है आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यह भी आपके एन सी टी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आ सकता है एनसीआर टी अब हम लोग बढ़ते हैं अपने हु डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो इसका आपका आंसर होगा अरबर नाथन एंड स्मिथ तीन आपके साइंटिस्ट थे अरबर नाथन और आपके स्मिथ इन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यहां पर क्या किया था डिस्कवर्ड किया था यह तो आपका एक क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था तो आप कहेंगे कि फर्स्ट जो था आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस जो था आपका इंडो न्यूक्लियस जो था आपका वो था हिंद टू क्या था आपका हिंद टू ये है आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में और ये भी आपसे पूछा जाता है तो आपको दोनों चीज याद रखनी है कि सबसे पहले किसने किया था और सबसे पहला इंजाम कौन सा था तो आप कहेंगे हिंद टू अब हम लोग यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म 2019 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म तो आपका यहां पर आंसर होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्या होगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपका रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ विच एंजाइम 2019 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई किस किस एंजाइम के डिस्कवरी से तो क्वेश्चन आपका क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ विच इंजाइम आफ्टर डिस्कवरी ऑफ च एंजाइम आफ्टर डिस्कवरी ऑफ विच एंजाइम तो आपका यहां पर आंसर होगा आपका यहां पर आंसर होगा रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस क्या होगा आपका आंसर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मोलिकुलर सीजर यह भी नाम आप याद रखिएगा मोलिकुलर सीजर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं मोलिकुलर सीजर तो इस एंजाइम के डिस्कवरी के बाद क्या हुआ कि आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एग्जिस्टेंस में आई अब हमसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच इंजाइम सेगमेंट विच इन्जाइम ज्वाइंस द डीएनए सेगमेंट ये मैंने आपको पिछला चैप्टर कराते हुए बताया था कि डी एन ए लाइगेज जो होता है वो क्या करता है डी एन ए सेगमेंट्स को जोड़ता है वहां पर ओका जा की फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था तो ओका जाकी फ्रेगमेंट कौन जोड़ रहा था तो आप कहेंगे डी एन ए लाइगेज जोड़ रहा था तो वहां पर भी उसी इंजाइम का यूज होता है और इस टेक्निक में भी आपका क्या होगा डी एन ए को जो जोड़ने का काम है वो किसका है वो काम है आपका लाइगेस का तो लाइगे एंजाइम जहां भी आएगा आपको पता है कि ये डी को जोड़ने का काम करेगा देखिए वन वर्ड वाले क्वेश्चन से आपकी एक अच्छी समझ बनती है इसलिए हम लोग यहाँ पर जो स्टार्टिंग करते हैं हमेशा वो वन वर्ड वाले क्वेश्चन से ही करते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं सबको देखने वाले हैं एक करके तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच एंजाइम ज्वाइंस द डीएनए सेगमेंट क्वेश्चन है आपका विच एंजाइम ज्वाइंस द डीएनए सेगमेंट विच एंजाइम ज्वाइंस द डीएनए सेगमेंट तो आपका यहां पर आंसर होगा डीएनए लाइगेज दो हजार उन्नीस में आया हुआ यह भी आपका क्वेश्चन है तीन सारे क्वेश्चन की संभावना रहती है जो आपसे पहले भी पूछा जा चुका है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर प्रॉपर वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन एनिमल सेल इज प्रॉपर वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन एनिमल सेल इज क्वेश्चन है आपसे प्रॉपर वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन एनिमल सेल इन एनिमल सेल तो आप इसका यहां पर आंसर देंगे पीबीआर बी आर थ्री ट्वेंटी टू पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2018 में कब पूछा गया था आपसे तो क्वेश्चन 2018 में प्लाजमिट्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स या फिर आप कहेंगे प्लाजमिट आर फाउंड इन विच सेल ये 2018 क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है प्लाज्मिड आर फाउंड इन विच सेल हमसे पूछा जा रहा है कि प्लाज्मिड कहाँ पर पाया जाता है तो आप कहेंगे ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है कहाँ पाया जाता है आपके बैक्टीरियल सेल में पाया जाएगा ई e. कोलाई में किसमें ई कोलाई में तो आपसे पूछ जाए कि प्लाज्मिड होता क्या है बेसिकली तो आप कहेंगे ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है है क्या है आपका क्रोमोजोमल डीएनए से हट करके बैक्टीरिया में एक डीएनए पाया था इसको लोग बोलते हैं प्लाज्मिड ये सर्कुलर डीएनए है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक तरीके से की तरह काम करता है हमारे टेक्नोलॉजी में या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसको क्या कहते हैं वेक्टर की तरह यूज करते हैं अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है टीआई प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम टीआई प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑप्टेंड फ्रॉम क्वेश्चन है आपका टीआई आई प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टी आई प्लाज्मिज यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑपटेन्ड फ्रॉम इज ऑपटेन्ड फ्रॉम तो इसका आंसर होगा आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमे फैसियन क्या होगा आपका आंसर एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन दोनों चीजों को आप क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि आपको जीनस और स्पीसीज हमेशा अंडरलाइन करके लिखना चाहिए एग्जाम में नहीं तो यहां पर मार्क्स कटने की संभावना रहती है तो आप एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमे फैसिय क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू एनदर थ्रू द मीडिएशन ऑफ अ वेक्टर लाइक वायरस इज टर्म्ड एज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू एदर क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं एनसीआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये एन एग्जाम्पल का क्वेश्चन है द ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर टू अनदर बैक्टीरियम टू एनदर बैक्टीरियम थ्रू द मीडिएशन ऑफ अ वैक्टर थ्रू थ्रू द मीडिएशन मीडिएशन थ्रू द मीडिएशन ऑफ अ वैक्टर लाइक वायरस लाइक वायरस इज टर्म्ड एज इज ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आपका आंसर होगा पर ट्रांसडक्शन हम लोग अगर वायरस का यूज करके डीएनए को ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसडक्शन तो ट्रांसडक्शन प्रोसेस से हमारा क्या होता है ये आपका क्या होगा आपका डीएनए ट्रांसफर होगा एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम की तरफ हमारा हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है विच इंजाइम इज नोन टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर हम लोग इसको इरेज़ कर लेते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है विच इंजाइम इज नोन टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए विच इंजाइम इज नोन टू मेक द कट टू मेक द मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशन एट स्पेसिफिक एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए विद इन द डीएनए देखिए इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस क्या होगा आपका रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हमेशा डीएनए को कट करते हैं एक स्पेसिफिक साइट पर जिसको हम लोग बोलते हैं रिकोग्निशन साइट क्या बोलते हैं या फिर आप कहेंगे रिस्ट्रिक्शन साइट पर क्या करते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट पर ये क्या करेंगे आपका कट करेंगे और वो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है पैलिंड्रोमिक इन नेचर कैसी होती है आपकी पैलिंड्रोमिक इन नेचर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपका जी ए ए टी टी सी और यहाँ पर आपका सी टी टी जी सी टी टी ए जी सी टी टी ए जी अब ये है डीएनए का एक सेगमेंट ये क्या है आपका डीएनए का एक ये छोटा सा जो आपका ये आपको दिख रहा है यहाँ पर सेगमेंट इसमें आप देखेंगे जो ये साइट है आपकी ये पैलिनड्रोमिक है अगर आप इस तरफ से रीड करते हैं तो जी ए ए टी टी सी और वहीं दूसरे स्टैंड पर अगर आप इस तरफ से रीड करेंगे तो वही आ रहा है आपका जी ए ए टी टी सी तो ऐसे जो आपके या ये जो आपका सीक्वेंस है इसको हम लोग बोलते हैं पेलिंड्रॉम क्या बोलते हैं पेलिंड्रॉमिक सीक्वेंस तो इस टाइप के सीक्वेंस पे क्या करते हैं रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन्यूक्लियस आपका आकर के कट करेंगे तो इसका आंसर आपका होगा यहां पर रिस्ट्रिक्शन इंडो अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोटेक्नोलॉजी 2013 2014 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉट डू यू अंडर स्टैंड बाई टेक्नोलॉजी दो हजार कब आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे पूछा दो हजार तेरह में और चौदह में दो साल आपसे लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है दो हजार तेरह दो हजार चौदह में देखिए बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि आपकी बायोलॉजी की एक आपकी बायोलॉजी क्या है एक ब्रांच है जिसमें लोग क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर किसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम लोग क्या करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उससे कुछ प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाएंगे जो हमारे ह्यूमन वेलफेयर में काम में आएगा अब आप समझिए क्या हो रहा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को मिला रहे हैं किससे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म से? से मिला रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है या तो फिर प्रोसेस हमें कुछ मिल रहा है या फिर हमें प्रोसेस मिल रहा है जिसका फ़ायदा क्या है जिसका हमें बेनिफिट क्या है कि ये क्या है ये बेनिफिशियल है ये बेनिफिशियल है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब हम क्या कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में कि हम टेक्नोलॉजी को लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट या फिर एक ऐसा प्रोसेस मिल रहा है ये जो, जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है किसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यही है आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है हाउ रिकम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्मड हाउ रिकम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्मड ये कहिए है हमारा क्वेश्चन इसका ईयर है आपका 2005 इसका ईयर क्या है 2005 2005 का ये आपसे पूछा गया है तो देखिए रिकमेंडेंड डीएनए तब फॉर्म होता है कि जब दो डिफरेंट सोर्स के डीएनए को हम आपस में लिंक कर देते हैं दो डिफरेंट सोर्स आप के डीएनए को हम आपस में लिंक कर देंगे जैसे आप मान लीजिए कि कोई आपका डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है क्या है आपका डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है उसको आपने जोड़ दिया वेक्टर के साथ किसके साथ जोड़ दिया वेक्टर के साथ उसके बाद एक हाइब्रिड डीएनए बनता है हाइब्रिड डीएनए बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या इसी को काइमेरिक डीएनए भी बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए या इसी का दूसरा नाम है आपका काइमेरिक डीएनए अब आप देखिए होगा क्या ये है आपका प्लाज्मिड क्या है आपका

तो सबसे पहला यहां पर जो स्टेप होता है वो होता है कि हमें रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से कट करना पड़ता है हमें क्या करना पड़ेगा कट बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का यूज करके कट बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे इस पोर्सन को कट डाउन कर लेंगे जो हमारा डिजायर डीएनए सेगमेंट है इसको हमने कट कर लिया यहां पर हम लोग कट कर लेते हैं किसको अपने वेक्टर को अपने वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कट कर लेंगे इसको मैं यहाँ पर जो है ब्लैक पेन से बनाऊँ ब्लैक मार्कर से बनाना चाहूँगा इससे क्लियरिटी रहेगी तो ये हमने क्या किया इसको यहाँ पर कट कर लिया है डिजायर डी सेगमेंट को इसके बाद हम लोग डी एन लाइगेज का यूज़ करके क्या किसका यूज करके आपका डी एन लाइगेज का यूज करके इसको हम लोग जोड़ देंगे जोड़ने के बाद हमें मिलता है यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या मिलता है हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जहां पर हमने जो जो सेगमेंट हम जोड़ना चाहते थे ये है आपका डिजायर्ड सेगमेंट डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट और ये था आपका प्लाज्मिड क्या था प्लाज्मिड जो जो एक्ट कर रहा था किसकी तरह वेक्टर की तरह था. हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने यहां पर एक वेक्टर मॉलिक्यूल लिया है और अपना डिजायर डीएनए सेगमेंट लिया है दोनों को हमने कट किया किसके हेल्प से रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस की हेल्प से शर्त यह है कि यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस आप यूज कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए हमें सेम रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस से इस डीएनए को भी कट करना है और इस वेक्टर को भी कट करना है उसके बाद हमें ये कंडीशन मिल गई कि आपका क्या है वैक्टर क्लीव्ड वैक्टर है यहाँ पर जो हमने काट लिया है और यहाँ पर क्या है डिजायर डीएनए सेगमेंट को भी हमने कट कर लिया है डी एन का यूज करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे जिससे आपका बनता है रिकॉम्बिनेंट डी ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसी का दूसरा नाम है आपका हाइब्रिड डीएनए भी आप बोलते हैं इसी को आप काइमेरिक डीएनए भी आप बोलते हैं अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन आपसे 2005 में पूछा गया था हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय ये भी आपका एनसीईआरटी मेंशन है तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सबसे पहली बार क्रिएट किया था तो क्वेश्चन है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इसमें कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है इसलिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जो जिनके आने की प्रबल संभावना है आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आपका क्या था क्वेश्चन था आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय होम क्वेश्चन है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय होम रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय होम तो इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1972 स्टेनले टू स्टैनले एंड हर्बर्ट बोयर इन 1972 अगर आप यहां पर पूरा नाम नहीं याद कर पाते तो आप कोहेन एंड बोयर भी याद रख सकते हैं कोहेन एंड बोयर कब था आपका कब किया था इन्होंने 1972 में अब यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच इंजाइम इज नोन एज मॉलिक्युलर सीजर 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच एंजाइम विच एंजाइम इज नोन एज मॉलिकुलर सीजर 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोलिकुलर सीजर हम लोग किसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग क्या बोलते हैं मॉलिकुलर सीजर तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज एंजाइम्स आर नोन एज मॉलिकुलर सीजर्स अब देखिए जो यहां पर नाम दिया गया है मॉलिकुलर सीजर ये क्यों दिया गया देखिए मॉलिकुलर मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल आपका डीएनए क्या है डीएनए एक बायो मॉलिक्यूल है क्या है आपका डीएनए बायो मॉलिक्यूल है क्या है आपका बायो मॉलिक्यूल है और सीजर का मतलब होता है कट करना सीजर का काम का क्या होता है कटिंग का काम होता है कैंची का काम का का क्या है घर में कटिंग का काम है अब इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर क्यों बोलते हैं क्योंकि ये जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये डीएनए को कट करते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इसलिए हम लोग इनको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं अब इसमें कह रहा है कि कि व्हाट इज पैलिन्रॉम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या है व्हाट इज पैलिंड्रॉम देखिए सारे क्वेश्चन आपके वन बाय वन आ रहे हैं व्हाट इज पैलिंड्रॉम तो मैंने आपको बताया कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो दोनों स्ट्रैंड पर जब हम एक डायरेक्शन में रीड करें तो सेम आए जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था जी ए ए टी टी सी यहां पर यहां पर आपका सी टी टी ए जी मान लीजिए ये है आपका एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड ये एक स्ट्रैंड ये, ये दूसरा स्ट्रैंड अगर ये थ्री प्राइम है यह क्या है आपका थ्री प्राइम है तो ये आपका फाइव प्राइम होगा ये फाइव प्राइम है तो ये आपका क्या होगा थ्री प्राइम होगा क्या होगा आपका थ्री प्राइम होगा अगर आप रीड करते हैं यहाँ पर इस स्ट्रैंड को थ्री प्राइम से फाइव प्राइम तो क्या आ रहा है जी ए ए टी टी सी क्या आ रहा है जी ए ए टी टी सी अब फिर आप इस स्ट्रैंड को रीड करिए थ्री थ्री प्राइम से फाइव प्राइम तो फिर क्या आ रहा है आपका जी ए ए टी टी सी तो जो ऐसे सीक्वेंस होते हैं जब हम दो, दोनों स्टैंड पर उनको सेम डायरेक्शन से रीड करते हैं तो उनका क्या आता है सीक्वेंस सेम आता है ऐसे न्यूक्लियोटाइट सीक्वेंस जिनको हम दोनों स्टैंड पर जब रीड करेंगे सेम डायरेक्शन से तो वो सेम आएंगे जैसे देखिए जी ए ए टी टी सी थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम और यहां पर भी थ्री प्राइम से फाइव प्राइम क्या आ रहा है जी ए ए टी टी सी तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं पेलिंड्रॉम यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है हमसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट डाउन द नेम ऑफ एनी क्लोनिंग वैक्टर इन विच कैपेसिटी ऑफ एप्लीकेशन इज प्रेजेंट इन इनडिपेंडेंटली विदाउट क्रोमोजोमल कंट्रोल क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है राइट डाउन राइट डाउन द नेम ऑफ राइट डाउन द नेम ऑफ एनी क्लोनिंग वेक्टर राइट डाउन द नेम ऑफ एनी क्लोनिंग एनी क्लोनिंग वेक्टर इन विच इन विच इन विच कैपेसिटी इन विच कैपेसिटी ऑफ एप्लीकेशन इन विच कैपेसिटी ऑफ इन विच कैपेसिटी ऑफ एप्लीकेशन इज प्रेजेंट एप्लीकेशन इज प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली इज प्रेजेंट इनडिपेंडेंटली विदाउट क्रोमोजोमल कंट्रोल इंडिपेंडेंटली विदाउट क्रोमोजोमल कंट्रोल तो यहां पर आप आंसर दे सकते हैं प्लाजमिट क्या दे सकते हैं यहां पर आंसर प्लाजमिट आपका क्या है आपका क्या है कि एक एक्स्ट्रा है ऑटो क्या आपका डीएनए है जो कहाँ पाया जाता है इकोलाई में इसके ऊपर क्रोमोजोमल डीएनए का कोई भी कंट्रोल नहीं होता ये खुद से रेप्लीकेट कर सकता है 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है टू का ये आपका क्वेश्चन है हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिक वेक्टर रिलेटेड टू ईल्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ये आपके एन सी आर टी का जो है क्वेश्चन है हाउ इज कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर रिलेटेड टू ईल्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्वेश्चन है आपका हाउ इज कॉपी नंबर हाउ इज कॉपी नंबर How is copy number of plasmid vector of plasmid vector? How is copy number of the plasmid vector? Is related to is related to how is copy number related to yield of recombinant protein? Yield of recombinant yield of रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एनसीआर का क्वेश्चन है आपका एन का आर पर क्वेश्चन है देखिए होता क्या है कि वेक्टर के कॉपी नंबर पे ही उसका रिप्लीकेशन जो है बेस्ड होता है जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा उतनी बार वो रेप्लीकेट करेगा जितना ज्यादा क्या होगा आपका कॉपी नंबर होगा उतनी ही बार वो क्या करेगा रेप्लीकेट करेगा अब मान लीजिए मैंने क्या किया कि हम लोगों ने यहां पर एक बनाया रिकॉम डीएनए क्या बनाया डीएनए हमने यहां पर बनाया इसमें आपका क्या रहेगा इसमें आपका रहेगा डिजायर डीएनए सेगमेंट ये क्या है आपका डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है अब ये एक डीएनए सेगमेंट है मतलब एक जीन है क्या है आपका जीन है और जीन का फंक्शन क्या होता है प्रोटीन बनाना जीन का फंक्शन क्या होता है आपका प्रोटीन बनाना अब आप सोचिए कि इस प्लाज्मिड का अगर कॉपी नंबर हाई है इस प्लाजमिट का अगर कॉपी नंबर हाई है तो जब हम इसको होस्ट के अंदर डालेंगे तो ये उतनी बार क्या करेगा आपका अगर कॉपी नंबर ज्यादा है तो ज्यादा बार क्या करेगा आपका 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 करेगा 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 ज्यादा बार क्या करेंगा? करेंगा। अब अगर ये आपका, ये डीएनए आपका करकेट कर रहा है तो उसके साथ साथ आपके डिजायर डीएनए सेगमेंट का भी नंबर बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है आपके डिजायर डीएनए सेगमेंट का भी नंबर बढ़ रहा है मतलब उस जीन का नंबर बढ़ रहा है जो हम जो प्रोटीन बनाने के लिए हमने यूज किया था तो यहां पर क्या होगा कि प्रोटीन की ईल्ड भी बढ़ेगी प्रोटीन की ईल्ड भी क्या होगी इंक्रीज होगी ध्यान सुनिए फिर से हो क्या रहा है कि मान लीजिए ये आपका एक प्लाज्मिड है इसका कॉपी नंबर हाई है क्या है इसका कॉपी नंबर हाई है मैंने आपको क्या बताया कि कॉपी नंबर ही कंट्रोल करता है कि, कि कितनी बार आपका वेक्टर रेप्लीकेट करेगा कितनी बार आपका वेक्टर रेप्लीकेट करेगा अब हमने इस वेक्टर के साथ यहाँ पर एक जीन जो है आपका क्या कर दिया लाइगेट कर दिया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये कोई प्रोटीन एक्स प्रोटीन मान लीजिए बनाएगा उसको हमने लाइगेट कर दिया अब इसका कॉपी कौप, नंबर हाई ये मतलब रिप्लीकेट ये बार बार करेगा किसके अंदर होस्ट सेल के अंदर किसके अंदर होस्ट सेल के अंदर अब जितनी बार ये आपका रिकमंड डीएनए एन रेप्लीकेट करेगा उतनी बार ही आपका क्या होगा कि जो आपका जीन है उसका भी नंबर इंक्रीज करेगा और जीन का नंबर इंक्रीज कर रहा है मतलब प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है उसका नंबर इंक्रीज कर रहा है तो प्रोटीन की ईल्ड भी यहाँ पर क्या होगी इंक्रीज होती हुई दिखेगी तो यही चीज़ आपको वहां पर लिखना है हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम लाइक काइटिनेज एंड लाइसोजाइम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज रोल ऑफ एंजाइम क्वेश्चन से क्या हो जा रहा है व्हाट इज रोल ऑफ एंजाइम लाइक काइटिनेज लाइक काइटिनेज एंड लाइसोजाइम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वॉट इज रोल ऑफ एंजाइम वॉट इज रोल ऑफ वॉट इज रोल ऑफ एंजाइम क्वेश्चन है आपका यहां पर वॉट इज रोल ऑफ एंजाइम लाइक काइटिनेस what is role of in a role of chitinase and lysozyme and lysozyme in genetic engineering in genetic engineering देखिए होता क्या है कि अगर हमें कोई भी डीएनए आइसोलेट करना है सबसे पहले आप समझिए कि और का रोल क्या है तो आपका एंसर होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए में किसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए में इनका योगदान है कैसे समझिए एक बात को कि जो फंजाई की सेलवाल होती है आपकी फंजाई की सेलवाल किसकी बनी होती है आपकी काइटीन की किसकी बनी होती है काइटीन की फंगल से वो लो हम लोग बोलते हैं अब अगर हमें किसी भी सेल से डीएनए निकालना है तो सबसे पहले उसकी जो एक्सटर्नल बाउंड्री है उसको हमें क्या करना पड़ेगा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा मतलब हमें सेलवाल वहां पर तोड़नी है तो काइटीन की बनी फंजाई की सेलवाल को कौन ब्रेक डाउन करता है इसको ब्रेक करता है एंजाइम काइटीनेस कौन ब्रेक करता है आपका एंजाइम काइटीनेस और वहीं जो आपका बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियल सेलवॉल को बैक्टीरियल सेलवॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए हम यहां पर एंजाइम यूज करते हैं लाइसो जाइम लाइसोजाइम का क्या यहां पर रोल है कि बैक्टीरियल सिलवाल को क्या करेगा ब्रेक डाउन करेगा तो इन दोनों एंजाइम का जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस चीज में योगदान है तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए डीएनए को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहां पर इन चीजों का यूज करते हैं अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट डज कॉम्पिटेंट रिफर्स टू इन कॉम्पिटेंट सेल्स यूज इन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट एनसीआर एग्जाम्पल और क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं व्हाट डज कॉम्पिटेंट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन है वॉट डज कॉम्पिटेंट वॉट डज कॉम्पिटेंट रिफर्स टू रिफर्स टू इन रिफर्स टू इन कॉम्पिटेंट सेल्स इन कॉम्पिटेंट सेल्स रिफर्स टू इन कॉम्पिटेंट सेल्स यूज इन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट यूज इन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट अब समझिए यहां पर क्या कह रहा है हमसे पूछा जा रहा है कि कॉम्पिटेंट वर्ड का मतलब यहां पर क्या है कॉम्पिटेंट वर्ड का मतलब क्या है अब देखिए अगर हम लोग चाहते हैं कि, कि किसी भी रिकमंडेड डीएनए को हम रिकमंड डीएनए मॉलिक्यूल को अगर हम किसी होस्ट में डालना चाह रहे हैं तो होस्ट उस डीएनए को लेने के लिए उस कैपेबल है या नहीं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंट क्या यूँ वर्ड यूज करते हैं कॉम्पिटेंट तो ये जो कॉम्पिटेंट वर्ड है ये किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है होस्ट सेल से किससे रिलेटेड है आपका होस्ट सेल से कहने का मतलब ये है कि होस्ट सेल के अंदर वो एबिलिटी है वो कैपेसिटी है कि नहीं उस डीएनए को अपने अंदर लेने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं कि बैक्टीरियल सेल को अगर हमें कॉम्पिटेंट बनाना है बैक्टीरियल सेल्स को अगर हमें कॉम्पिटेंट बनाना है तो हम लोग यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं क्या है? किसका यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं है। कुल मिलाकर के हमें क्या चाहिए हमें कैटायन चाहिए डाइवलेंट कैटाइन क्या चाहिए डाइवलेंट कैटाइन डाइवलेंट कटायन जैसे यहाँ पे सी ए प्लस टू क्या आपका कैल्शियम जो है आपका यहां पर सी ए प्लस टू जो है ये डायवलेंट कटायन है ये क्या करता है कि आपके होस्ट सेल को आपके बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाता है कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि जो आपका डीएनए उसके सराउंडिंग में है उसको क्या करेगा अपने अंदर इजिली ले लेगा दूसरा तरीका है यहां पर कॉम्पिटेंट बनाने का वो है हीट शॉक ट्रीटमेंट क्या है आपका हीट शॉक ट्रीटमेंट हीट शॉक ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सबसे पहले क्या करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लस होस्ट सेल को प्लस प्लस होस्ट सेल को आइस के अंदर क्या करेंगे इनक्यूबेट करेंगे इनक्यूबेट इन आइस इनक्यूबेट इन आइस उसके बाद हम लोग इसको ले जाएंगे हीट देंगे उसके बाद हम लोग क्या देंगे सेकेंड स्टेप में हीट देंगे और फिर से किस पे ले जाएंगे आपका आइस में फिर से किस पे ले जाएंगे आइस में इससे क्या होगा कि जो आपके सेलवाल में जो पोर होंगे उनका साइज बढ़ेगा सेलवाल में जो आपके पोर होंगे उनका साइज बढ़ेगा और जो आपका रिकमंडेंट डीएनए है वो ईजिली क्या होगा होस्ट सेल के अंदर आपका एंटर कर जाएगा तो कॉम्पिटेंट वर्ड का जो यहाँ पर मतलब है वो क्या है कि होस्ट सेल में वो एबिलिटी है या नहीं उस डीएनए को अपने अंदर लेने के लिए क्योंकि डीएनए आपका होता है एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कैसा होता है नेचर में हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है ईजिली आपके होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं करता उसे हमें जो है करवाना पड़ता है ये आपका हो गया क्वेश्चन हमसे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वॉट इज द नेम ऑफ डीएनए डेवलप्ड बाई फ्यूजिंग फॉरन डीएनए एंड वेक्टर डीएन देखिए वही क्वेश्चन है थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई दो हजार बीस में रिसेंट का आया हुआ क्वेश्चन है वॉट इज द नेम ऑफ डीएनए डेवलप्ड वॉट इज द क्वेश्चन है आपका वॉट इज द नेम ऑफ डीएनए वॉट इज द नेम ऑफ डीएनए डेवलप्ड बाई डीएनए डेवलप्ड बाई डेवलप्ड बाई फ्यूजिंग फॉरन डीएनए फ्यूजिंग फॉरन डीएनए एंड विक्टर डीएनए एंड वेक्टर डीएनए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हम वेक्टर डीएनए को फॉरेन डीएनए से फ्यूज कराएं अगर मैं वेक्टर डीएनए को फॉरेन डीएनए से फ्यूज कराऊं, फ्यूज कराऊं, तो यहां पर आपका बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहां यहाँ पर क्या बनता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या इसी को हम लोग बोलते हैं काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए तो किसी भी नाम से ये आपसे पूछा जा सकता है देखिए ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने आज देखे हैं इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द मैंने आपको जो है वन वर्ड वाले क्वेश्चन वन शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के मैंने आपको करवा दिए हम लोग एक सेशन और लोंगे और इसके जो है लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तब तक आपको जो भी कराया गया उसको करते रहिए इन क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करते रहिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जो है अनसॉल्व सॉल्व जो भी आपके पास हो मार्केट से ले लीजिए उसको सॉल्व करिए कोई दिक्कत नहीं है आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी तब तक के लिए हम मैं चलता हूँ फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में